बायोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली इसके अगर डेफिनेशन पे गौर करें, बायो का मतलब है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल सब्सटेंस। अब जो केमिकल सब्सटेंस, मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंस जो हमारी लाइफ को जो है स्टेबल रखने में या हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, इन तमाम केमिकल्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, बायोकेमिस्ट्री डील्स विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं उसकी स्टडी करना है, डेट टेक्स प्लेस इन टिश्यू सेल्स। ठीक है, जो कि आपके टिश्यूज में या सेल्स के अंदर चल रहे हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस की जब हम स्टडी करते हैं इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मेजर जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स है। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली जो हम कंसिडर करते हैं इनको आम अल्फाज में हम शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस ना चीनी खाते हैं या हमारी जो अनाज वगैरह है, गंदम वगैरह या हम आटा वगैरह खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन हैं, और देयर कॉम्प्लेक्स या इन दोनों का कम्बिनेशन है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन। जब इनकी ब्रेक डाउन होती है बॉडी के अंदर, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं जब डाइजेशन होती है, और डाइजेशन के दरमियान ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर ये वापस हमें पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। हाइड्रोलाइसिस, जैसा कि आपको पता है हाइड्रोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब भी कोई सब्सटेंस पानी की मौजूदगी में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, इस पूरे प्रोसेस को हम जो है वो हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स क्या है। ठीक है जी, अल्डिहाइड मैं आपके सामने लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ कि अल्डिहाइड ग्रुप फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है, इसको हम R लिखते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल के साथ अगर CHO अटैच है एंड पर, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ CHO अटैच है, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और कुछ ऐसी शुगर्स होती हैं जिनमें कीटोन ग्रुप होता है, और कीटोन की जो पहचान है वो ऐसे है कि एक फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है आर, इसको कोई भी मॉलिक्यूल है, और उसके साथ लिंक कर रहा है सी ओ और आर। ठीक है जी, अब ये जो आपके सामने ग्रुप अटैच है सी डबल बॉन्ड वो होता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? कीटोन ग्रुप। अब इनके जब आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा और या फिर कीटोन ग्रुप मौजूद होगा। तो ये आपने इसको याद रखना, आगे जाके डिटेल में भी आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन यह है कि डेफिनेशन में आपको आसानी रहे समझने में, इसलिए मैंने इधर आपसे डिस्कस कर लिया। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके, या तीन बेसिक एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद हैं वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। द लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन जो है आगे जनरल फॉर्मूले में आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि इनको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स, इनको हम आम अल्फाज में शुगर्स भी कहते हैं। ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूले का मतलब ये होता है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं, इसके फॉर्मूले में कुछ चीजें कॉमन है, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। अब ये देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल है, H2O रिप्रेजेंट कर रहा है,
वाटर को, ठीक है जी, और साथ में जो ये सी है ये कार्बन को जो है वो शो कर रहा है। अब किसी मॉलिक्यूल में जब वाटर मौजूद होता है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड, और इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। और उसके अंदर ये है कि इसकी शॉर्ट लिख लें कि सी यानी कार्बन जो है इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जनरल फॉर्मूले के मुताबिक ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हमेशा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन, सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कार्बन आर इक्वल इन नंबर। अब वो कह रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, आर इक्वल इन नंबर टू द कार्बन। कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मिकदार है वो सेम होती है। थस द जनरल, सिंस द जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज सी एन एच टू ओ एन। सी एन का मतलब है जितने कार्बन होंगे और उतने ही जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल इस तरह एलैबोरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कार्बन जो है वो सिक्स है, ठीक है जी। तो n इज इक्वल टू सिक्स, सो कार्बन इज इक्वल टू सिक्स, एच टू ओ H2O को अगर आप यानी अगर यहाँ पर H2O को कंसीडर करते हैं तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो है वो 2 है। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है जी। ये किसके जो है बराबर हो जाते हैं 12 के, और ऑक्सीजन जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बन जाएंगे आपके पास टोटल 6। अब ये देखिएगा जो आप इसको देखें, हमने कहा जी कार्बन जो है वो 6 है, हाइड्रोजन जो है 12 है, और ऑक्सीजन जो है आपके पास 6 है। यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है ग्लूकोज का। ठीक है जी, तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि अगर हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज एन जो है, एन को जो है वो इक्वल्स टू सिक्स है, अगर इसी तरह आप अगर एन को मैं कह देता हूँ 5, तो आप इसी इक्वेशन को आगे 5 यानी सी 5 एच 10 ओ 5 इस तरह भी बन सकता है, ठीक है जी। तो आपको इस तरह जो है ना जनरल फार्मूले से आगे जो है ना एलेबोरेट करना है, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे आपको ग्लूकोज की जो मैंने एग्जांपल दे दी है, तो इसको आप बेहतर तरीके से ताकि समझें। एक्सेप्शन टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन, ठीक है जी। अब कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल, एक्सेप्शन का मतलब होता है सवाय। हम कहते हैं कि कुछ जो जनरल फार्मूला है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट का सी एन एच टू ओ एन, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो के जनरल फार्मूला जो है वो फॉलो नहीं करते, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसकी एक्सेप्शन है, हम जो आप इजी वर्ड्स में लिखवा देता हूं, सम मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉलो
जनरल फॉर्मूला बट दे आर कार्बोनेटेड। ये पहली कंडीशन है, हम एग्जांपल इस तरह से कॉपी कर देता हूं मैं आपको। हम ये कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं करते, लेकिन उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स मानते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल जो आपके पास आती है वो है रेमनोज, यानी रेमनोज एक ऐसी शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कंसिडर करते हैं। अब इसकी जो है इसको समझने का तरीका ऐसे है कि जिस तरह देखें, आपके पास ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। अगर इनको अगर देखा जाए तो ये जितने भी ग्लूकोज का पहले एग्जांपल ले लें कि ग्लूकोज जो है अगर इसकी रेशियो हम बनाते हैं, रेशियो का मतलब है डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो सिक्स वन सिक्स सिक्स टू ट्वेल्व एंड सिक्स वन सिक्स, यानी ये टेबल सिक्स के टेबल से जो है डिवाइड होते हैं। लेकिन जब रेमनोज का फार्मूला देखते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जी इसका जो फार्मूला है वो C6H12, यानी सिक्स और ट्वेल्व जो है वो डिवाइड होते हैं, लेकिन O जो है इसके अंदर फाइव मॉलिक्यूल हैं। अब ये यहाँ पर जनरल फार्मूला नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स मानते हैं। इसके ऑपोजिट कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो कि जनरल फार्मूला फॉलो करते हैं, लेकिन इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहते। अब उसके अंदर अब इसके अंदर आप एग्जांपल जो नेक्स्ट कंडीशन है, ये मैंने कंडीशन वन बताई है आपको कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जनरल फार्मूला फॉलो नहीं कर रहे लेकिन इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स मानते हैं। और दूसरी जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरल फार्मूला फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मानते। और इसके अंदर एग्जाम्पल है आपके पास फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है। इसको मैं एलैबोरेट कर देता हूँ कि किस तरह ये जनरल फार्मूला फॉलो कर रहे हैं लेकिन इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मानते। अगर एसिटिक एसिड का फार्मूला देखें वो है C8H12O6, और अगर हम इसको फर्दर एलैबोरेट करें तो सिक्स हमारे पास है टू, और हाइड्रोजन जो है वो है फोर, और ऑक्सीजन जो है वो टू मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये देखें अगर रेशो देखी जाए तो टू, ये जितने भी नंबर्स हैं टू फोर और टू, ये आपको पता है कि टू से डिवाइड होते हैं, और अगर इसको आप एलैबोरेट करें तो जनरल फॉर्मूला बन जाता है C H2O। अब ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ये एसिड्स हैं, ठीक है जी। अब कार्बोहाइड्रेट्स को आप यूज कर सकते हैं, इन एसिड को आप प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ये आपके लिए जो है काफी जो है नुकसानदेह होते हैं।